साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर कोर्ट की तस्वीरें देख रहे हो। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश पर धोरीमना थाना अधिकारी सुखराम विश्नोई की टीम, दुर्गाराम ASI और उन पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। सोनाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी कुंडावा ने दिनांक 7 जनवरी 2023 को एक पुलिस थाना धोरीमना में मामला दर्ज करवाया था। उसके घर के आगे खड़ी बोलेरो कैंपर गाड़ी अज्ञात चोरों ने चोरी कर दी। उसका मामला धोरीमना थाने में दर्ज होते ही थाना अधिकारी सहीराम ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए मामला दुर्गाराम ASI को जांच दी। दुर्गाराम ASI ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमचंद्र पुत्र राणाराम जाति विश्नोई PS धोरीमना पुलिस थाना धोरीमना को पूछताछ कर गिरफ्तार किया तो उसने बोलेरो कैंपर गाड़ी को चुराना स्वीकार किया। उसे आज न्यायालय में ले आए हैं और JC करवाया है। तो ये पुलिस थाना धोरीमना की टीम है जिन्होंने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। धोरीमना थाने में कार्यरत ASI दुर्गाराम से बात हुई है तो दुर्गाराम ने पूरी जानकारी के साथ इस मामले को बताया है और कहा है कि लाखों की गाड़ी कोड़ियों के भाव ये बेच देते हैं शोक मोज के लिए। तो क्या कहते हैं आरोपी को ले आए हो, क्या मामला है, कौन आरोपी है? दिनांक 7/1/2023 को परिवार सोनाराम जिनों जेठाराम जाति जाट निवासी खरड़ पुलिस थाना धोरीमना ने रिपोर्ट दी थी कि मेरी गाड़ी बोलेरो कैंपर जो कस्बा धोरीमना में खड़ी थी तो किसी अज्ञात मुलजिम ने चुरा दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात मुलजिम की तलाश की गई और तलाश के दौरान प्रेमचंद मुलजिम को दस्तियाब कर उससे पूछताछ की जाकर गाड़ी बरामद की गई। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर ये चोरी किस लिए करता है? चोरी तो नशेड़ी है। हाँ तो पहले भी इसके ऊपर कोई मामले दर्ज है? पहले दो मामले काहे के है? वो भी चोरी के। चोरी के। तो सर इसे कब गिरफ्तार किया है? कल गिरफ्तार किया। पाँच कहाँ से किया? धोरीमना से। धोरीमना से। तो आज इसे बात पूछताछ न्यायालय में पेश करेंगे और तो सर इसका PC लोगे या JC करोगे? JC करो। ठीक है।